हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोसेफेलस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रो मींस वाटर एंड सेफेलस मींस हेड। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें टू मच फ्लूइड हमारे हेड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये होता क्यों है? जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो के अंदर डिस्टरबेंस होता है, उसकी वजह से होता है हाइड्रोसेफेलस। अब बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस के अंदर CSF की हमने बात की, तो पहले समझते हैं CSF के बारे में। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन के चारों ओर बह रहा होता है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि हमारा ब्रेन CSF के अंदर तैर रहा होता है। CSF का काम क्या होता है? CSF हमारे ब्रेन को बोयंसी क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन का एक्चुअल वेट होता है 1 से 1.5 किलो, मगर CSF की वजह से वो सिर्फ हमें महसूस होता है 25 से 50 ग्राम। CSF हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जब आपको कोई इंजरी होती है हेड के अंदर या कोई आपको हिट करता है, तो CSF एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। CSF हमारे ब्रेन से वेस्ट को भी रिमूव करता है। आइए बात करते हैं CSF का प्रोडक्शन कैसे होता है। CSF का प्रोडक्शन होता है लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा, और CSF एब्जॉर्ब होता है ग्रेनोइड एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस के अंदर। अब बात करते हैं CSF के पाथवेज की। CSF बनता है लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से, देन वो फोरामन ऑफ मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल से वो एरेक्नोइड स्पेस के ग्रेनुलेशंस में, जहाँ फाइनली वो एब्जॉर्ब होता है, वहाँ वो पहुँचता है। हमने बात की CSF के पाथवे के बारे में। अब बात करते हैं CSF एग्जामिनेशन के बारे में। CSF का हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? CSF के एग्जामिनेशन के लिए हम लंबर पंचर करते हैं L2 वर्टीब्रा पर। उसके बाद CSF को हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम लैब के अंदर उसका एग्जामिनेशन करते हैं। CSF एग्जामिनेशन से रिवील क्या होता है? CSF एग्जामिनेशन से हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में पता चलता है, और कोई भी इन्फेक्शन अगर ब्रेन में है तो उसके बारे में हमें CSF एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है। जब किसी इन्फेक्शन के बारे में हमें सही पता चलेगा, तो हम सही एंटीबायोटिक पेशेंट को दे पाएंगे। तो CSF हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं वापस से हमारे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाइड्रोसेफेलस के अंदर CSF का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। अब ये होता क्यों है? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो CSF का ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा, जो कि बहुत रेयर है, या तो CSF का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो कोई ब्रेन इंजरी हो गई, कोई ट्रोमा हो गया, या कोई ट्यूमर की वजह से, या हेमरेज की वजह से CSF के एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। बात करते हैं CSF के हाइड्रोसेफेलस के टाइप्स के बारे में। हाइड्रोसेफेलस के दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के अंदर CSF के फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एरेक्नोइड स्पेस में। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के अंदर CSF का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वेंट्रिकुलर स्पेस में। आइए बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। इसके अंदर लार्ज हेड ऑफ बेबी के डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम आती है, मेंटल रिटार्डेड होता है पर्सन, और कई सारी उसको इंजरीज होती हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चा पैदा होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस के ट्रीटमेंट के बारे में। हाइड्रोसेफेलस के ट्रीटमेंट के लिए हम फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि CSF के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसामाइड। दूसरा, हम कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर देते हैं, और तीसरा, हम वेरियस शंटिंग प्रोसीजर के थ्रू CSF के फ्लो को डाइवर्स कर सकते हैं, जिसमें हम वेंट्रिकुलो आर्टिकुलर शंट यूज़ करते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो थी हाइड्रोसेफेलस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे थे फिजियो टॉक।